बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ एमटीएच 426 इंट्रोडक्शन टू मेयर थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने प्रीवियस टू लेक्चर्स अच्छी तरह देख लिए होंगे। हमारा आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में लेक्चर है, सो इसलिए आप लेबेग आउटर मेयर और मेयरेबल सेट्स की जितनी प्रॉपर्टीज इससे पहले हमने डिस्कस की हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज हैं लेबेग आउटर मेयर की। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट लेबेग मेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर से। नोट दैट कि हमने ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट को डिफाइन किया था। ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट ई, लेट ई सबसेट ऑफ आर एंड वाई बिलोंगिंग टू आर, देन ट्रांसलेशन of E by Y is denoted by E plus Y and defined as E plus Y is equal to X plus Y such that X belongs to E. रिकॉल दैट कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको प्रूव करवाया था कि ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट जो होता है, अगर इस पे लेबेग आउटर मेयर अप्लाई करें तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेयर ऑफ ई। तो इनफैक्ट बिफोर ट्रांसलेशन लेबेग आउटर मेयर फाइंड करें या आफ्टर ट्रांसलेशन आप लेबेग आउटर मेयर फाइंड करें, मेक्स नो डिफरेंस, आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई हम एक इंटरवल ले लेते हैं से 1 to 5, तो इसकी लेबेग आउटर मेयर इसकी लेंथ आएगी 5 - 1 = 4। लेट वाई इज इक्वल टू 6, एक रियल नंबर लेते हैं, तो ई प्लस वाई सेट बनेगा हमारे पास 7 and 11। तो लेबेग आउटर मेयर ऑफ E प्लस वाई फाइंड करें तो ये भी 4 आती है, विच इज लेबेग आउटर मेयर ऑफ E के इक्वल। तो हमने इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे इन जनरल चेक किया था कि E कोई भी सबसेट ले लें रियल नंबर का और Y इज एनी अदर रियल नंबर, तो E को अगर ट्रांसलेट करते हैं बाय Y तो इस सेट की लेबेग आउटर मेयर ऑफ E के इक्वल आती है। यहां से एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि एम स्टेरिक इज नॉट 1-1, ये 1-1 फंक्शन नहीं था। अब ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट के बाद प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट था, इफ ए इज सबसेट ऑफ आर then for epsilon greater than 0 there exists an open set O such that A is subset of O and Lebesgue outer measure of O less than Lebesgue outer measure of A plus epsilon है। इस result को आपने देखा था कि हमने इससे पहले भी use किया, आज के lecture में भी हम होपफुली इस रिजल्ट को यूज करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरह सेकेंडली हमने देखा था कि एम स्टेरिक ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ई आई इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम स्टेरिक ऑफ ई आई, वेयर ई 1 ई 2 अप टू सो ऑन ई एन आर पेयर वाइज
disjoint measurable sets. تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ایک فیملی آف فائنائٹ فیملی آف پیئر وائز ڈس جوائنٹ میئریبل سیٹ لیتے ہیں تو ایم سٹیرک جو ہے یہ فائنائٹلی ایڈیٹیو ہے. سملرلی ایم سٹیرک آف یونین آئی ای آئی ایون آئی ویریز فرام ون ٹو انفینٹی is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of EI, where EN is a pairwise disjoint sequence of measurable sets. تو یہاں سے امپورٹنٹ ریزلٹ یہ فالو ہوا تھا کہ ایم سٹیرک از کاؤنٹیبلی ایڈیٹیو پرووائڈیڈ دیٹ کہ ایم سٹیرک جب اپلائی کریں تو میئریبل سیٹس کی فیملی پہ اپلائی کریں جو پیئر وائز ڈس جوائنٹ ہو. دین لاسٹ لیکچر میں ہم نے پروو کیا کہ لیبیگ آؤٹر میئر آف سیٹ A intersection A infinity plus Lebesgue outer measure of A intersection A infinity complement, یہ in fact equal ہوتی ہے Lebesgue outer measure of A کے, and this implies A infinity is measurable. اب جب A infinity measurable ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے minus infinity to B set کو دیکھا جو ایکچولی ایکول تھا یونین n ویریز فرام 1 ٹو انفینٹی مائنس انفینٹی b مائنس 1 اوور n کے. تو کیونکہ یہ سیٹ میئریبل ہے تو اس کا کمپلیمنٹ لیں تو وہ مائنس انفینٹی ٹو a بنتا ہے, تو اس ٹائپ کے سیٹ جو ہیں یہ میئریبل ہیں. اب اس ٹائپ کے سیٹ میئریبل ہونے سے یہ سارے سیٹ جو تھے یہ میئریبل ہو گئے, اور میئریبل سیٹس کی countable union بھی measurable ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم نے conclude کیا تھا کہ minus infinity to b is measurable. اب جب minus infinity to b measurable ہو گیا تو then ہم نے open interval a b کو دیکھا تھا کہ open interval a b جو ہوتا ہے یہ a to infinity اور minus infinity to b کی intersection میں لکھا جا سکتا ہے. So this is equal to a to infinity intersection minus infinity to b. اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ minus infinity to b جو ہے basically یہاں پہ یہ minus infinity b side open interval ہے, تو minus infinity to b جو ہے یہ measurable ہے, a to infinity بھی measurable ہے, تو measurable کی intersection measurable, this implies a b is measurable. یہاں پہ اگین میں ریپیٹ کر دوں, اس کو میں نے ان ڈیٹیل بتایا تھا کہ مائنس انفینٹی ٹو بی مائنس ون اوور این سائڈ کلوزڈ ہے, یہ انٹرول میئریبل ہونے سے ان کی کاؤنٹیبل یونین میئریبل, سو اوپن انٹرول مائنس انفینٹی ٹو بی از میئریبل. اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ اوپن انٹرول اے بی جو باؤنڈیڈ انٹرول ہے یہ بھی میئریبل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اوپن سیٹ او دیکھا تھا, اینی اوپن سیٹ او از میئریبل. اب یہ اوپن سیٹ کیوں میئریبل ہوا تھا, کیونکہ اوپن سیٹ کو آپ کاؤنٹیبل یونین آف اوپن انٹرولز میں لکھ سکتے ہیں, اور اوپن انٹرولز میئریبل ہیں, تو اس لیے یہ اوپن سیٹ میئریبل ہے. دین اینی کلوز سیٹ ان آر is measurable. کیونکہ کلوز سیٹ کیوں میئریبل ہوا, کیونکہ کلوز سیٹ کوئی بھی لیں تو اس کا کمپلیمنٹ اوپن ہوگا وہ میئریبل ہے, اور پھر اس کا کمپلیمنٹ لیں تو وہ کلوز سیٹ میئریبل ہو گیا. دین ہم نے جی ڈیلٹا سیٹ ڈیفائن کیا تھا کہ جی ڈیلٹا سیٹ یہ کاؤنٹیبل انٹرسیکشن آف اوپن سیٹس
के बराबर होता है, यानी हर वो सेट जो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में लिखा जाए वो जी डेल्टा सेट है। तो ओपन सेट्स मेजरेबल है, मेजरेबल की काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया था कि जी डेल्टा सेट इज मेजरेबल। देन हमने एफ सिग्मा सेट डिफाइन किया था विच इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, और अगेन क्लोज सेट्स मेजरेबल, तो मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, दिस इंप्लाइज एफ सिग्मा सेट इज मेजरेबल। फर्दर कॉम्प्लीमेंट इफ एफ इज एफ सिग्मा सेट, दिस इंप्लाइज एफ कॉम्प्लीमेंट इज जी डेल्टा सेट एंड कन्वर्सली। तो ये डी मार्गन लॉ से रिजल्ट फॉलो हुआ था कि एफ सिग्मा का कॉम्प्लीमेंट एक जी डेल्टा सेट बनता है, और जी डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एफ सिग्मा सेट होता है। तो एफ सिग्मा सेट और जी डेल्टा सेट इस तरह रिलेटेड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रीवियस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिव्यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे बताया था कि आज का लेक्चर जो होगा वो भी एक्सटेंशन होगा प्रीवियस लेक्चर की, दैट इज कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेट ई सबसेट ऑफ आर, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। देयर इज ए जी डेल्टा सेट जी with E subset of G and Lebesgue outer measure of G minus E is equal to 0. Second, there is a F sigma set F with F is subset of E and Lebesgue outer measure of E minus F equal to 0. And E is any subset of R. So, one implies to prove karte hain. Given for E subset of R, there exist a G delta set G such that E subset hai G ka and Lebesgue outer measure of G minus E is equal to 0. Ab ye humne true le liya hai. Ab humne ek F sigma set F find karna hai जो E में कंटेंड हो, और E माइनस एफ सेट की लेबेग आउटर मेजर भी जीरो हो। अब नोट करें, सिंस गिवन इज ट्रू फॉर एनी E सबसेट ऑफ R, आल्सो E कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ R, दिस इंप्लाइज वन इज ट्रू for E complement, that is there exists a G delta set G such that E complement is subset of G and Lebesgue outer measure of G minus E complement is equal to 0. यहाँ पे मैंने इस fact को use किया, जो वन है इसको यूज किया कि ये रिलेशन हर सबसेट के लिए ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर ई कंप्लीमेंट भी तो सबसेट है रियल लाइन का, तो ये रिजल्ट ई कंप्लीमेंट के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये ई कंप्लीमेंट के लिए ट्रू है तो इट मींस ई कंप्लीमेंट कंटेन्ड होगा एक जी डेल्टा सेट जी में, और लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कंप्लीमेंट जीरो के इक्वल होगी। एज ऑब्जर्व करें कि E कॉम्प्लीमेंट जो है ये कंटेन्ड है G में, एज E कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन G, दिस इंप्लाइज G कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज G कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन E। लेट F इज इक्वल टू G कॉम्प्लीमेंट।
अब एफ किस टाइप का सेट होगा, क्योंकि जी डेल्टा सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो एफ सिग्मा सेट होता है, और जी एक जी डेल्टा सेट है, तो इसका कंप्लीमेंट जो होगा ये एक एफ सिग्मा सेट होगा। देन एफ इज ए एफ सिग्मा सेट ऑल्सो, एफ इज कंटेन्ड इन ई, बिकॉज जी कंप्लीमेंट एफ के इक्वल है, तो इस रिलेशन से एफ कंटेन्ड हो गया ई में। तो नोट करें, हमने एक एफ सिग्मा सेट एफ फाइंड कर लिया है जो कंटेन्ड है ई में। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि क्या लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ जीरो के इक्वल है, और गिवन है लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कंप्लीमेंट इज जीरो। एज लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, सिंस ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ये रिजल्ट यूज कर लिया। एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ जी इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, सो जी इंटरसेक्शन ई इक्वल टू ई इंटरसेक्शन जी, एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई माइनस जी कंप्लीमेंट। नोट करें कि इसको अगर आप फिर सॉल्व करें तो दिस इज ई इंटरसेक्शन जी। अब जी कंप्लीमेंट को हमने एफ कहा हुआ है, तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हमने जी डेल्टा सेट के कोरस्पोंडिंग एक एफ सिग्मा सेट फाइंड कर लिया जो ई में कंटेन्ड है, और फर्दर ई माइनस एफ सेट की लेबेग आउटर मेजर जीरो के इक्वल आता है। अब इसका कन्वर्स कैसे होगा? कन्वर्सली, कन्वर्स में ये रिजल्ट गिवन है, मीन्स ये गिवन है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स करें तो आपके पास ये रिजल्ट जी डेल्टा सेट आ जाएगा। सो कन्वर्स ट्राई योर सेल्फ, क्वाइट सिंपल प्रूफ मैंने बताया कि इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स आप परफॉर्म करें तो एफ सिग्मा सेट एफ के कोरस्पॉन्डिंग एक जी डेल्टा सेट मिलेगा जो वन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि हम जी डेल्टा सेट से एफ सिग्मा सेट जनरेट कर सकते हैं और एफ सिग्मा सेट से जी डेल्टा सेट जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम, अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, अभी तक हमने ई सेट को मेजरेबल लिया था और हमने देखा था कि मेजरेबल सेट का कंप्लीमेंट मेजरेबल, आर और फाई मेजरेबल, मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल। तो अब हम नेक्स्ट जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं वो ये है कि मेजरेबिलिटी चेक करने का एक अल्टरनेट टूल देख रहे हैं कि वो क्या होगा। यानी एक तो बाय डेफिनेशन है किसी भी सेट को मेजरेबल शो करना, अब आफ्टर दिस थ्योरम अगर कोई भी सेट ही इस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो भी मेजरेबल होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं, ए सबसेट ई ऑफ आर इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर इज एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई विद लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। तो पहले हम ई को मेजरेबल लेते हैं और हर एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक ओपन सेट फाइंड करते हैं जो ई को कंटेन करे और उनके डिफरेंस की मेजर लेस देन एप्सिलॉन हो। गिवन ई इज मेजरेबल, अब ई मेजरेबल है, अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि हर एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक ओपन सेट फाइंड करना है वो जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। केस वन, इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन इंफिनिटी, अगर ई सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइनाइट हुई तो देन बाय ए थ्योरम
For epsilon greater than 0, there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O is less than Lebesgue outer measure of E plus epsilon. ये आज जो रिजल्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा था वो यूज हो गया कि E की मेजर लेस देन इन्फिनिटी हो तो बाय दैट थ्योरम हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिलेगा जो E को कंटेन भी करेगा बट उस सेट की लेबेग आउटर मेजर लेस होगी लेबेग आउटर मेजर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन. दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ E लेस देन एप्सिलॉन. से दिस इज रिलेशन वन. डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें कि अब अगर हम ये शो कर देते हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई, ये डिफरेंस जो है ये एक्चुअली इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई के, तो यहां पे इस साइड को हम रिप्लेस कर लेंगे लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई से, तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा जो हमारा टारगेट है. सो अब हम देखते हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई क्या ये इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई के, या इनमें फिर क्या रिलेशन है. ऑब्जर्व करें कि ओ सुपरसेट है ई का, से ये ओ है और ये ई है, तो ये बाकी शेडेड रीजन जो इस डायग्राम का है ये ई का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट यहां विद रिस्पेक्ट टू ओ ले रहा हूं, तो यहां कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैं इसे ओ माइनस ई कह लेता हूं, ओ माइनस ई. नोट दैट ओ इज इक्वल टू ई यूनियन ओ माइनस ई. इस डायग्राम से क्लियर है कि O माइनस ई सेट और ई सेट की यूनियन लें तो ये O सेट आ जाता है. डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें कि E और O माइनस ई ये दोनों सेट जो हैं ये मेजरेबल सेट है. ये क्यों मेजरेबल हैं कि E तो हमने लेट किया हुआ है कि मेजरेबल है, सो दिस सेट इज मेजरेबल. अब O माइनस ई को देखते हैं तो O माइनस ई इक्वल है O इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट. अब E मेजरेबल तो E कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, O एक ओपन सेट है, ओपन सेट होने की वजह से मेजरेबल, मेजरेबल्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल, सो O माइनस E इज मेजरेबल. तो यहां से हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है. दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ O इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ E यूनियन O माइनस ई, एंड दिस इज इनफैक्ट इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ E प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ O माइनस ई, सिंस M स्टेरिक इज फाइनाइटली एडिटिव. यहां पे आप सोच रहे होंगे कि M स्टेरिक तो काउंटेबली सब एडिटिव होता है, दैट इज फाइनाइटली सब एडिटिव होता है, तो मैंने इसमें फाइनाइटली एडिटिविटी क्यों यूज की. मैंने बताया था कि अगर सेट पेयर वाइज डिसज्वाइंट हूं और मेजरेबल भी हूं तो फिर एम स्टेरिक फाइनाइटली एडिटिव होता है. तो क्योंकि ये ई और ओ माइनस ई दोनों सेट मेजरेबल भी हैं और डिसज्वाइंट भी हैं, सो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एम स्टेरिक को एज ए फाइनाइटली एडिटिव फंक्शन. सो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई, एंड दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई. आई होप के आपको यहां तक प्रूफ क्लियर हो गया होगा. फिर मैं स्टेप्स मेन मेन रिपीट करता हूं. ई एक मेजरेबल सेट था और टारगेट हमारा ये था कि एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक ओपन सेट ओ फाइंड करना जो ई को कंटेन करे
और डिफरेंस की लबेग आउटर मेयर लेस देन एप्सिलॉन हो। इसके लिए फर्स्ट केस में मैंने लबेग आउटर मेयर ऑफ ई को लेस देन इन्फिनिटी लिया, तो देन बाय वेल नोन थ्योरम देर इज एन ओपन सेट ओ सच दैट ई सबसेट ऑफ ओ लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ लेस देन लबेग आउटर मेयर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। तो यहां से डिफरेंस की मेयर जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब ओ को हमने डिकम्पोज किया ई और ओ माइनस ई में, और ये मेयरेबल भी है और डिसज्वाइंट भी हैं, तो एम स्टेरिक अप्लाई करें तो ये फाइनाइटली एडिटिव है, फाइनाइटली एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो यहां पे ये डिफरेंस जो है ये लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ माइनस ई के इक्वल आ गया। अब इसको रिलेशन वन में पुट कर दें, देयर फोर वन इंप्लाइज लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां तक ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया कि अगर ई को मेयरेबल लेते हैं तो ई के कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट ओ मिलेगा सच दैट लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। बट ये तब होगा इफ लबेग आउटर मेयर ऑफ ई इज लेस देन इंफिनिटी। अब इसके सेकंड केस में हम देखते हैं इफ लबेग आउटर मेयर ऑफ ई इज इक्वल टू इंफिनिटी देन एज आर इज इक्वल टू यूनियन आई एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। ये आप जानते हैं कि रियल लाइन को हम काउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स की यूनियन में लिख सकते हैं। पुट ई एन इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आई एन। अब ई एन ई इंटरसेक्शन आई एन के इक्वल है, आई एन बाउंडेड इंटरवल्स हैं, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स हैं। दिस इंप्लाइज ई एन इज मेयरेबल। वाई ई एन इज मेयरेबल? क्योंकि ई सेट मेयरेबल, आई एन ओपन इंटरवल होने की वजह से मेयरेबल, मेयरेबल की इंटरसेक्शन मेयरेबल, सो ई एन इज मेयरेबल। एंड लबेग आउटर मेयर ऑफ ई एन लेस देन इंफिनिटी। और ये क्यों लेस देन इंफिनिटी होगा? क्योंकि इसमें ई की मेयर ऑल दो इंफिनिटी है बट ये आई एन एक बाउंडेड ओपन इंटरवल है तो इसकी मेयर लेस देन इंफिनिटी होगी, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन में जो कॉमन सेट बनेगा उसकी मेयर लेस देन इंफिनिटी होगी। तो मेयर ऑफ ई एन सेट लेस देन इंफिनिटी। अब जिस सेट की लबेग आउटर मेयर लेस देन इंफिनिटी हो उसके लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है केस वन में, देन बाय केस वन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट से ओ एन सच दैट ई एन इज सबसेट ऑफ ओ एन एंड लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ एन माइनस ई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ये रिलेशन से टू हम क्या लेते हैं, आई थिंक सो वन है, तो ये टू रिलेशन हो गया। अब यहां पे हमने केस वन यूज कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ई एन सेट हैं, इनफैक्ट इन सारे सेट्स को कंबाइन किया जाए तो कौन सा सेट जनरेट होगा। नो यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ई एन, दिस इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ई एन की वैल्यू पुट करें, दिस इज ई इंटरसेक्शन आई एन। अगेन यहां पे इसको हम लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी टू इंफिनिटी आई एन, और ये पहले मैंने डिक्लेयर किया कि ये आर के इक्वल है सो दिस इज इक्वल टू ई। तो ये सारे सेट्स जो ई एन ने इनकी यूनियन ली जाए तो ई सेट जनरेट होता है जो थ्योरम में गिवन है, और इस केस में गिवन है कि ये मेयरेबल सेट है। पुट ओ इज इक्वल टू यूनियन
n varies from 1 to infinity O n. As E n is subset of O n, this implies union n E n is subset of union n O n, and this implies E subset hai O ka. तो इनफैक्ट फिलहाल हमने एक ओपन सेट ओ फाइंड किया है जो ई को कंटेन कर रहा है. और वो ओपन क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ओ जो है ये ओपन सेट्स की यूनियन है, तो ओ ओपन होगा. ओ बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. ओके, हमने एक ओपन सेट ओ फाइंड कर लिया जो ई को कंटेन कर रहा है. अब अगर हम ये शो कर दें कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन है, तो टारगेट अचीव हो जाएगा. एज ओ माइनस ई दिस इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ओ एन अवर यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी En, which is of course subset of union n varies from 1 to infinity On minus En. ये आप basic elementary properties जानते होंगे set की, otherwise इसको आपने verify करना है. So O minus E is subset of union n varies from 1 to infinity On minus En. अगेन दोनों साइड्स पे लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करें, तो लेबेग आउटर मेजर अप्लाई करने से ये लेस आर इक्वल आ जाएगा. रीजन आप जानते हैं, सिंस एम स्टेरिक इज मोनोटोन. अब एम स्टेरिक काउंटेबली सब एडिटिव भी है, सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन. एंड इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन देखें तो ये लेस देन एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन को मैं अपनी आसानी के लिए सेट कर लेता हूं एप्सिलॉन ओवर टू एन, बिकॉज ये रिजल्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, सो इसके लिए भी प्रूफ ये ट्रू होगा. So this is less than summation n varies from 1 to infinity epsilon over 2 power n. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि over 2 power n सेट करने से ये 1 over 2 power n एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई और इसका सम 1 के इक्वल आएगा. So this is equal to epsilon. This implies लेबेग आउटर मेजर ऑफ O minus E is less than epsilon. तो यहां तक थ्योरम की एक साइड प्रूव हुई, दैट इज गिवन ई था मेजरेबल सेट, तो हमने फाइंड करना है एवरी एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक ओपन सेट ओ जो कंटेन करे ई को और डिफरेंस की लेबेग आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ई को मेजरेबल लिया. अब दो ऑप्शंस थी कि इसकी मेजर फाइनाइट हो या इन्फिनिटी. तो अगर लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, तो देन बाय थ्योरम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट ई सबसेट ऑफ ओ है एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ लेस देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन. लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई को हम लेफ्ट साइड पे ले गए और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये थी कि ओ को हम ब्रेक कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं टू मेजरेबल सेट्स की डिसज्वाइंट यूनियन में. देन हमने लेबेग आउटर मेजर अप्लाई की जो फाइनाइटली एडिटिव है, तो यहां से डिफरेंस की मेजर इक्वल आ गई लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई के. ये हमने रिलेशन वन में पुट किया तो रिजल्ट फॉलो हो गया. उसके बाद लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल टू इन्फिनिटी लिया. अब आर के लिए एक ओपन कवरिंग ली आई एन और इसके बाद ई एन सेट डिक्लेयर किए विच इज ई इंटरसेक्शन आई एन. तो ई एन बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ई एन मेजरेबल हो गया. फर्दर
लबेग आउटर मेयर ऑफ ई एन लेस देन इन्फिनिटी है क्योंकि आई एन बाउंडेड ओपन इंटरवल है तो इनकी मेयर ऑफ कोर्स फाइनाइट होगी, सो ई एन की मेयर फाइनाइट है। तो जब ई एन की लबेग आउटर मेयर फाइनाइट है तो केस वन एप्लीकेबल है, तो बाय केस वन फॉर ईच ई एन वी हैव एन ओपन सेट ओ एन सच दैट ई एन इज सबसेट ऑफ ओ एन एंड लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ एन माइनस ई एन लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को हमने एप्सिलॉन ओवर टू पार एन सेट किया ताकि एंड पे सिंप्लीफाई होके ये एप्सिलॉन नजर आए। देन हमने यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन देखा, तो ये यूनियन ई सेट के इक्वल आ गई। इसी तरह हमने ऑल ओ एन की यूनियन से एक नया सेट बना लिया ओ, तो ओ बींग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो फर्दर ओ जो है ये सुपर सेट ऑफ ई बन रहा है। देन हमने ओ माइनस ई सेट देखा, तो ओ माइनस ई इक्वल है यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ओ एन माइनस, इनफैक्ट दिस इज माइनस यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन विच इज कंटेन्ड इन यूनियन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ओ एन माइनस ई एन। देन हमने मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज की, काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज की, तो यहां से लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्सली फॉर ई सबसेट ऑफ आर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ सच दैट ई सबसेट ऑफ ओ एंड लबेग आउटर मेयर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन टू प्रूव इज मेयरेबल, ई को मेयरेबल सेट शो करना है। अब इसका कन्वर्स प्रूव करने के लिए टेक एप्सिलॉन इक्वल टू वन ओवर एन ग्रेटर देन जीरो, देन बाय गिवन कंडीशन अब गिवन कंडीशन ये थी कि एवरी एप्सिलॉन के कोरोस्पोंडिंग एक ओपन सेट ओ मिलेगा जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। सो एप्सिलॉन वन ओवर एन लिया, देन बाय गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ एन सच दैट E subset of O n and Lebesg outer measure of O n minus E less than 1 over n which is epsilon actually. I think this is our relation number 3. Let me call it 3. Okay. Take G is equal to intersection O n, n varies from 1 to infinity. As E is subset of O n for all n, this implies E is subset of intersection O n which is equal to G. This implies E is subset of G. Also, intersection O n, n varies from 1 to infinity, subset hai O n ka for all n. This implies G subset hai O n ka and this implies G minus E subset hai O n minus E ka. And this implies Lebesg outer measure of G minus E is less or equal to Lebesg outer measure of O n minus E which is given less than epsilon that is 1 over n. This implies Lebesg outer measure of G minus E is less than 1 over n. And this implies G minus E is
میئریبل. اب جی مائنس ای میئریبل ہو گیا. اب نوٹ کریں سے یہ ای سیٹ ہے, یہ جی سیٹ ہے. ایز ای از اکول ٹو جی انٹرسیکشن جی مائنس ای کمپلیمنٹ. اب جی مائنس ای میئریبل ہے, یہاں سے یہ میئریبل کیوں ہے کہ جب ہم لیبیگ آؤٹر میئر آف جی مائنس ای لیس دین ون اوور این لیا, این ویری ویری لارج لیں تو لیبیگ آؤٹر میئر آف جی مائنس ای زیرو ہوگا, اور ہر وہ سیٹ جس کی لیبیگ آؤٹر میئر زیرو ہو وہ میئریبل ہوتا ہے. تو اس فیکٹ سے میں نے کہا تھا کہ جی مائنس ای میئریبل ہوگا. فردر جی کو ہم جی انٹرسیکشن جی مائنس ای کمپلیمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اب جی مائنس ای میئریبل میئریبل سیٹ کا کمپلیمنٹ میئریبل, سو دس سیٹ از میئریبل. اب جی کیوں میئریبل ہے؟ جی کیونکہ اوپن سیٹ کی کاؤنٹیبل انٹرسیکشن میں ہے, دیٹ از جی از اے جی ڈیلٹا سیٹ, اور ہر جی ڈیلٹا سیٹ میئریبل ہوتا ہے, سو جی از میئریبل. نوٹ دیٹ جی اینڈ جی مائنس ای کمپلیمنٹ آر میئریبل. دس امپلائز ای از میئریبل. تو یہ اس کا کمپلیٹ پروف تھا. جسٹ کنورس کے اسٹیپس میں دوبارہ بتاتا ہوں. اب کنورس میں گیون یہ تھا کہ ایوری ایپسیلان کے کورسپونڈنگ ایک اوپن سیٹ ملتا ہے او این, جو ای کو کنٹین بھی کرتا ہے, اور لیبیگ آؤٹر میئر آف او این مائنس ای لیس دین ایپسیلان ہو جاتی ہے. دین میں نے ایک سیٹ جی ڈیفائن کیا وچ از کاؤنٹیبل انٹرسیکشن آف اوپن سیٹس. اب نوٹ کریں کہ یہاں جی کا اوپن ہونا ضروری نہیں ہے, بٹ جی میئریبل ہوگا کیونکہ اوپن سیٹس کی انفائنائٹ انٹرسیکشن ضروری نہیں اوپن ہو, بٹ یہ اوپن سیٹ کی کاؤنٹیبل انٹرسیکشن ہونے کی وجہ سے یہ میئریبل ہوگا بینگ اے جی ڈیلٹا سیٹ. اب ای سب سیٹ ہے او این کا فار آل این, تو ای سب سیٹ ہوگا انٹرسیکشن او این کا وچ از جی, تو ای سب سیٹ آف جی ہو گیا. اب انٹرسیکشن او این سب سیٹ ہے او این کا, مینس جی سب سیٹ ہے او این کا, تو جی مائنس ای بھی سب سیٹ ہوگا او این مائنس ای کا. اگین مونوٹون پراپرٹی یوز کی, تو لیبیگ آؤٹر میئر آف او این مائنس ای لیس دین ایپسیلان ہے, تو لیبیگ آؤٹر میئر آف جی مائنس ای ون اوور این سے لیس ہے, تو اٹ مینس یہ زیرو ہے. اب جس سیٹ کی لیبیگ آؤٹر میئر زیرو ہو وہ میئریبل ہوتا ہے, تو جی مائنس ای میئریبل ہو گیا. اب یہ میئریبل ہے تو ای کو ہم لکھ سکتے ہیں جی انٹرسیکشن جی مائنس ای کمپلیمنٹ میں. اب یہ کمپلیمنٹ سیٹ میئریبل ہے, جی بھی میئریبل ہے بینگ کاؤنٹیبل انٹرسیکشن آف اوپن سیٹس, اور میئریبل کی انٹرسیکشن میئریبل, سو ای از میئریبل سیٹ. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ٹو چیک میئریبلٹی ہمارے پاس دو کرائیٹیریاز ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ اگر لیبیگ آؤٹر میئر آف اینی ٹیسٹ سیٹ اے کو لکھ دیتے ہیں, لیبیگ آؤٹر میئر آف اے انٹرسیکشن ای پلس لیبیگ آؤٹر میئر آف اے انٹرسیکشن ای کمپلیمنٹ, تو دین ای از میئریبل. فرسٹ کرائیٹیریا. سیکنڈ, اف لیبیگ آؤٹر میئر آف ای زیرو آ گیا دین ای از میئریبل. بٹ یہ تھوڑا ویکر کنڈیشن ہے کیونکہ یہ صرف ان سیٹس پہ اپلائی ہوگی جن کی لیبیگ آؤٹر میئر زیرو ہے. تو جن سیٹ کی لیبیگ آؤٹر میئر زیرو نہیں ہے ان کے بارے میں یہ تھیورم ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. تھرڈ, ابھی جو ہم نے ریزلٹ پروف کیا ہے کہ ای از میئریبل if and only if for every epsilon greater than zero there exists an open set
O such that E subset of O and Lebesgue outer measure of O minus E less than epsilon. तो ये भी strong criteria है, क्योंकि अगर E को measurable शो करना है तो जस्ट आप एक ओपन सेट फाइंड कर लें जो E को कंटेन कर रहा है ईच एप्सिलॉन के कोरोस्पॉन्डिंग, और इनके डिफरेंस की जो लेबेग आउटर मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए. तो अगर आप ऐसा ओपन सेट फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी E मेजरेबल होगा. इसके अलावा अगर E1 और E2 मेजरेबल हूं then E1 union E2 and E1 intersection E2 be measurable होंगे. फिर if F symmetric difference G की Lebesgue outer measure 0 हो and F is measurable, this implies G is measurable. तो यहां सिमेट्रिक डिफरेंस की मेजर जीरो होने से जी मेजरेबल हो गया. तो ये मेजरेबिलिटी के कुछ स्ट्रांग क्राइटेरियाज हैं जिनको हम यूज करते रहेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, इसलिए बार बार मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूं. इसमें मेजर जो दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो डेफिनेशन है और सेकंड ये थर्ड वन जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो लेबेग मेजरेबल सेट्स को डिफाइन किया और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की. अब नेक्स्ट हम एक न्यू आइडिया डिफाइन करने लगे. नोट करें कि जब भी हम किसी सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करते हैं तो ए मे आर मे नॉट मेजरेबल. तो लेबेग आउटर मेजर ऑल्दो एक सेट फंक्शन है, ये तो हम अप्लाई कर सकते हैं रियल सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी सबसेट पे, बट वो सेट इटसेल्फ मेजरेबल सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. अब अगर लेबेग आउटर मेजर किसी ऐसे सेट पे अप्लाई करें जो सेट इटसेल्फ एक मेजरेबल सेट हो तो देन फिर क्या होगा, इसको हम देखते हैं इस डेफिनेशन में. लेट ई बी ए मेजरेबल सेट. नोट करें कि ई यहां पे ऑर्डिनरी सेट नहीं है, ये इनफैक्ट एक मेजरेबल सेट है, यानी मेजरेबल सेट की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है. देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई इज डिफाइंड टू बी दी लेबेग, इनफैक्ट दिस इज लेबेग मेजर ऑफ ई and it is denoted by M of E. यानी लेबेग आउटर मेजर ले किसी भी सेट की और अगर ये सेट श्योरिटी हो के मेजरेबल है तो फिर इसको M of E लिख दे. यानी लेबेग मेजर और लेबेग आउटर मेजर में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर किसी मेजरेबल सेट की लेबेग आउटर मेजर लेंगे तो उसे लेबेग मेजर कह देंगे और उसे एम स्टेरिक की बजाय एम से डिनोट करेंगे. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जहां पे भी मैं एम लिखूंगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि एम मैं उस वक्त लिख सकता हूं एम स्टेरिक को जब ये श्योरिटी हो कि वो सेट जिस पे ये एम स्टेरिक अप्लाई हो रहा है वो एक मेजरेबल सेट है. तो जब तक ये सेट मेजरेबल नहीं होगा हम एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल ए बी ये मेजरेबल है तो इसकी अगर लेबेग आउटर मेजर फाइंड करें तो वो एक्चुअली इसकी लेबेग मेजर है विच इज बी माइनस ए. इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर क्योंकि ये मेजरेबल है तो इसके लिए इसको एम ऑफ क्यू लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू जीरो. तो है ये इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर ही
बट सेट के मेजरेबल होने की वजह से इसे लबेग मेजर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। मेन आइडिया इसमें ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आप एम अप्लाई करें किसी सेट पे या कलेक्शन ऑफ सेट्स पे, तो उस वक्त ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो सेट जिस पे आप एम अप्लाई कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। अब लबेग मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जिस तरह हमने लबेग आउटर मेजर की इन जनरल प्रॉपर्टीज प्रूव की थी, तो अब लबेग मेजर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब नोट कीजिएगा कि एम जहां भी हम अप्लाई करेंगे वो मस्ट मेजरेबल सेट्स होने चाहिए। सो लेट ई आई बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ये एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट लिया। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, एम इज काउंटेबली सब एडिटिव। एम इज काउंटेबली एडिटिव प्रोवाइडेड दैट ई आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। एम इज मोनोटोन। एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन क्रिटिकली प्रूव करते हैं, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज ई आई इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, दिस इंप्लाइज यूनियन ई आई, आई वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी इज मेजरेबल, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। तो ये यूनियन मेजरेबल होगी। एज एम स्टेरिक ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ई आई, ये तो मैं लिख सकता हूं लेस आर इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी लबेग आउटर मेजर ऑफ ई आई, सिंस एम स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव। तो एम स्टेरिक तो है, तो एम स्टेरिक अप्लाई करते हुए ये चीज कतन नहीं देखने की जरूरत के सेट मेजरेबल है या नहीं। बट जब आप एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस करें तो वो वहीं पे कर सकते हैं जहां पे सेट मेजरेबल हो। तो देखें, मैंने यहां पे एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस करना है, तो पहले मैंने शो किया कि ये यूनियन एक मेजरेबल सेट है। तो अब ये यूनियन मेजरेबल है और ई आई इज गिवन है मेजरेबल है, सो इन दोनों पोजिशन पे मैं एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर सकता हूं। सो दिस इंप्लाइज एम of union I varies from 1 to infinity e I is less than or equal to summation I varies from 1 to infinity e I. This implies M is countably subadditive. तो ये first property का proof था। Second हमने show करना है कि एम काउंटेबली एडिटिव हो जाता है प्रोवाइडेड दैट ई आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। टू प्रूव एम इज काउंटेबली एडिटिव, लेट ई आई बी ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसज्वाइंट सेट्स, डिसज्वाइंट इनफैक्ट मेजरेबल सेट्स, देन लबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई आई
is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of A intersection EI. ये रिजल्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, तो आई होप कि आपको याद होगी इसकी स्टेटमेंट. पुट A इज इक्वल टू R, ये भी हमने एज ए रिमार्क देखा था. देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई इज इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई आई. अब अगेन नोट करें कि यहां अगर मैं m स्टेरिक को m से रिप्लेस कर लूं, तो इस केस में प्रूव हो जाएगा कि m इज काउंटेबली एडिटिव. अब क्या हम m स्टेरिक को m से रिप्लेस कर सकते हैं? तो ई आई मेजरेबल सेट्स की सीक्वेंस थी, तो ई आई मेजरेबल सेट्स की एक सीक्वेंस है और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, तो ये भी एक मेजरेबल सेट है और ये भी मेजरेबल है, तो इनकी मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि आप एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये हमने एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर लिया. This implies M is countably additive. But इस केस में जब सीक्वेंस मेजरेबल सेट्स की पेयरवाइज डिसज्वाइंट सीक्वेंस हो. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं. थर्ड इज मोनोटोन. टू प्रूव M is monotone, let E1, E2 are measurable sets such that E1 subset है E2 का. As M steric of E1 less or equal to m steric of E2 since m steric is monotone, and this implies E1, E2 measurable भी हैं, तो m steric को हम m से replace कर सकते हैं. So measure of E1 is less than measure of E2. This implies m is monotone. अब fourth property इसकी देखते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने शो करना है एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट. टू प्रूव एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, लेट ई बी ए मेजरेबल सेट and say y belonging to R, then E plus y is translation of E by y. अब ये E set की translation defined होगी. अब अगर हम ये prove कर दें कि measure of E plus y is equal to measure of E, तो टारगेट अचीव हो जाएगा, एम ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शो हो जाएगा. बट एम अप्लाई करने के लिए इस सेट का मेजरेबल सेट होना जरूरी है, तो हमने अभी तक कहीं नहीं प्रूव किया कि ट्रांसलेशन ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल. सो फर्स्ट वी प्रूव दैट ई प्लस वाई इज मेजरेबल. फर्स्ट वी शो दैट E plus y is measurable. अब इसको measurable show करते हैं. Given E is measurable, this implies for epsilon greater than zero
there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O minus E less than epsilon. ये जो आज हमने result prove किया, मैं in fact उसी की application के तौर पे इसको कर रहा हूँ कि given है ये measurable है, तो for every epsilon we have an open set O such that E is contained in O and Lebesgue outer measure of O minus E is less than epsilon. Let me call it one. Now O plus Y is an open set. Being translation of an open set, O plus Y is an open set. Also, O plus Y minus E plus Y. ये आप easily verify कर सकते हो कि this is equal to O minus E plus Y. This implies Lebesgue outer measure of O plus Y minus E plus Y is equal to Lebesgue outer measure of O minus E plus Y. And this is equal to Lebesgue outer measure of O minus E. Since M steric is translation invariant. अब रिलेशन वन को यूज करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन है, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन यूजिंग वन. दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इंप्लाइज ई प्लस वाई इज मेजरेबल. अब यहां से ये कैसे फॉलो हो गया कि ई प्लस वाई मेजरेबल है. अगेन मैंने सेम थ्योरम यूज किया है क्योंकि ये हमने इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव किया था कि जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो सेट ई मेजरेबल होगा. अब ई प्लस वाई के लिए हमने एक ओपन सेट ओ प्लस वाई फाइंड कर लिया है कि डिफरेंस की लेबेग आउटर मेजर एप्सिलॉन से लेस है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो इट मीन्स ई प्लस वाई मेजरेबल है. अब ई प्लस वाई मेजरेबल है तो इसकी मैं लेबेग आउटर मेजर लू तो वो इनफैक्ट इसकी लेबेग मेजर होगी. एज एम स्टेरिक इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, दिस इंप्लाइज एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ई. अब ई भी मेजरेबल है, ई प्लस वाई भी मेजरेबल है, तो दिस इंप्लाइज एम ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल टू एम ऑफ ई एंड दिस इंप्लाइज एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी. देखें जस्ट मैं इम्पॉर्टेंट स्टेप फिर बता देता हूँ कि लेबेग आउटर मेजर जब भी किसी मेजरेबल सेट की लेंगे तो उसे लेबेग मेजर कहेंगे. अब जिस तरह लेबेग आउटर मेजर ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, दैट इज मोनोटोन है, काउंटेबली सब एडिटिव है, ट्रांसलेशन इनवेरियंट है, तो हमने देखा लेबेग मेजर भी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. और इसमें प्रूफ ऑलमोस्ट हमने सारे वही यूज किए हैं जो लेबेग आउटर मेजर के लिए ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं. जस्ट मेन एम्फसाइज मेरा इस चीज पे था कि जब भी एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस करना है तो पहले शो करें कि जिस सेट पे आप एम स्टेरिक अप्लाई कर रहे हैं वो मेजरेबल सेट है, देन आप एम स्टेरिक को एम से रिप्लेस कर लें. अब नेक्स्ट एक थ्योरम में हम टू मेजरेबल सेट्स के यूनियन की मेजर फाइंड करने का फार्मूला देखते हैं. इनफैक्ट इससे पहले हमने प्रूव ये किया है कि मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है. तो अब इस थ्योरम में मैं इनफैक्ट एग्जैक्ट मेजर क्या होगी यूनियन की
वो फाइंड करना बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मैयर ऑफ ई वन मैयर ऑफ ई टू एंड देयर इंटरसेक्शन. सो ई वन एंड ई टू आर टू मैयरेबल सेट, देन मैयर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू मैयर ऑफ ई वन प्लस मैयर ऑफ ई टू माइनस मैयर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू. एज ई वन इज मैयरेबल, दिस इंप्लाइज लबेग आउटर मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू लबेग आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस लबेग आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी ई वन फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर. टेक ए इज इक्वल टू ई टू, क्योंकि ई टू भी सबसेट ऑफ आर है तो हम ए को एज ए ई टू भी ले सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज लबेग आउटर मैयर ऑफ ई टू इज इक्वल टू लबेग आउटर मैयर ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन प्लस लबेग आउटर मैयर ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट. अब नोट करें कि ई टू मैयरेबल है, E1 और E2 दोनों मैयरेबल है, इनकी इंटरसेक्शन मैयरेबल है और E1 मैयरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मैयरेबल होगा और इंटरसेक्शन विद E2 लें तो ये भी मैयरेबल, तो ये सारे सेट मैयरेबल हैं. सो हम M स्टेरिक को M से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हम इन तीनों में M स्टेरिक को M से रिप्लेस कर रहे हैं. This is our relation number one. Also, E2 is measurable. This implies measure of E1 is equal to measure of E1 intersection E2 plus measure of E1 intersection E2 कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो रिलेशन टू है ये अगेन मैंने फर्स्ट ई वन को एज ए मैयरेबल सेट लिया और उसकी डेफिनेशन लगाई और देन ई टू को एज ए टेस्ट सेट यूज किया. अब इसी तरह ई वन की जगह यहां ई टू लगा दें यानी ई टू की मैयरेबिलिटी यूज करें और ई वन को एज ए टेस्ट सेट यूज करें तो ये रिजल्ट जनरेट होगा. अब दोनों को एड करें. आप देखें अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड बन जाती है एडिंग वन एंड टू, तो लेफ्ट साइड बनेगी मैयर ऑफ ई टू प्लस मैयर ऑफ ई वन मैयर ऑफ ई टू प्लस मैयर ऑफ ई वन और राइट साइड बनेगी ट्वाइस ऑफ मैयर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू ट्वाइस ऑफ मैयर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू प्लस मैयर ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट मैयर ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट प्लस मैयर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट. दिस इज रिलेशन नंबर 3. अब यहां तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड थे यूनियन की मैयर फाइंड करने में और यूनियन की मैयर इनफैक्ट मैयर ऑफ फर्स्ट प्लस मैयर ऑफ सेकंड सेट माइनस मैयर ऑफ देयर इंटरसेक्शन के इक्वल आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे मैयर ऑफ फर्स्ट सेट ई वन प्लस मैयर ऑफ सेकंड सेट ई टू और ये ट्वाइस ऑफ दिस टर्म के इक्वल है तो अभी तक कोई बात बनी नहीं जिस तरह हम चाहते हैं. तो अब देखते हैं दोबारा इसको यूनियन से लिंक करते हैं. ये ई वन सेट ये ई टू सेट तो ये शेडिड रीजन ई वन माइनस ई टू दैट इज ई वन इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट. ये डॉटेड रीजन जो है ये इसी तरह ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये जिस रीजन को मैं ब्लैक कर रहा हूं ये रीजन इनफैक्ट ई वन इंटरसेक्शन ई टू है. क्लियरली
ای ون یونین ای ٹو کو ہم لکھ سکتے ہیں ای ون انٹرسیکشن ای ٹو کمپلیمنٹ یونین ای ٹو انٹرسیکشن ای ون کمپلیمنٹ یونین ای ون انٹرسیکشن ای ٹو. اب اس میں پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ یہ جو تینوں پورشن ہم نے ہائی لائٹ کیے اس وین ڈائیگرام کے یہ پیئر وائز ڈس جوائنٹ ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ سیکنڈ دیکھیں, سیکنڈ تھرڈ دیکھیں, فرسٹ اور تھرڈ ریجن دیکھیں تو یہ پیئر وائز ڈس جوائنٹ ہیں. اور پیئر وائز ڈس جوائنٹ ہیں تو کیا یہ انڈیپینڈنٹلی ہر ایک ریجن میئریبل سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ تو آف کورس پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سیٹ میئریبل ہے, یہ بھی میئریبل ہے, یہ بھی میئریبل ہے. سو وی اپلائی میئر, تو میئر دونوں سائڈس کی لے لیتے ہیں, ای ون انٹرسیکشن ای ٹو کمپلیمنٹ یونین ای ٹو انٹرسیکشن ود ای ون کمپلیمنٹ اینڈ یونین ود ای ون انٹرسیکشن ای ٹو. اب کیونکہ یہ ڈس جوائنٹ ہیں پیئر وائز, میئریبل بھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ میئر جو ہے یہ کاؤنٹیبلی ایڈیٹیو ہونے کی وجہ سے فائنائٹلی ایڈیٹیو بھی ہے. جب فائنائٹلی ایڈیٹیو ہے تو دس از اکول ٹو میئر آف فرسٹ سیٹ پلس میئر آف سیکنڈ سیٹ پلس میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو. تو یہاں سے نوٹ کریں کہ جسٹ میں میئر آف اس ٹوٹل سم کو دیکھوں تو یہ میئر آف ای ون یونین ای ٹو کے ایکول ہے. اب ریلیشن 3 میں دیکھیں کہ میئر آف ٹوائس آف میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو کو بریک کریں تو یہ میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو پلس میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو میں آ جائے گا. ایک میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو ٹرانسپوز کر دیں لیفٹ سائڈ پہ تو باقی جو ٹوٹل ٹرمز بچیں گی وہ میئر آف ای ون یونین ای ٹو کو ریپرزینٹ کریں گی. سو لیٹ می کال اٹ 4 فرام 3 اینڈ 4 فرام 3 اینڈ 4 وی ہیو میئر آف ای ون یونین ای ٹو از ایکول ٹو میئر آف ای ون پلس میئر آف ای ٹو مائنس میئر آف ای ون انٹرسیکشن ای ٹو. تو یہ یونین کی میئر فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے. اس سے پہلے ہم نے سیٹس کو میئریبل شو کیا تھا, اب اس کی میئر کی ویلیو بھی فائنڈ کر لی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. جسٹ مین مین پوائنٹ ریکال کرتے ہیں ہم. آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا میئریبلٹی چیک کرنے کا ایک آلٹرنیٹ ٹول, کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سیٹ ای میئریبل ہو جاتا ہے اف وی کین فائنڈ این اوپن سیٹ او فار ایوری ایپسیلان سچ دیٹ لبیگ آؤٹر میئر آف او مائنس ای از لیس دین ایپسیلان اینڈ کنورس از آلسو ٹرو. اور اس کے بعد ہم نے میئر کو ڈیفائن کیا کہ واٹ از میئر, لبیگ میئر انفیکٹ کیا ہے. لبیگ میئر کسی بھی سیٹ کی لبیگ آؤٹر میئر کو ہم سیٹ کی لبیگ میئر کہتے ہیں اف سیٹ از میئریبل سیٹ. دین ہم نے دیکھا کہ لبیگ میئر کاؤنٹیبلی سب ایڈیٹیو ہے, مونوٹون ہے, اور اگر سیکوینس آف سیٹ پیئر وائز ڈس جوائنٹ ہوں تو یہ کاؤنٹیبلی ایڈیٹیو بھی ہے, ٹرانسلیشن ان ویریئنٹ ہے, اور ایٹ دا اینڈ ہم نے یونین کی میئر کو فائنڈ کرنا سیکھا ان ٹرمز آف میئرز آف سیٹ اینڈ دیئر انٹرسیکشن. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو ایزی لگا ہوگا, اس لیے کہ یہ پریویس لیکچر کی سے ریلیٹڈ زیادہ تر پراپرٹیز تھی. نیکسٹ لیکچر میں ہم فردر ڈسکس کریں گے میئریبلٹی کے ٹاپک کو, اور کچھ انٹرسٹنگ کرائیٹیریاز دیکھیں گے اباؤٹ انفائنائٹ یونین اور سنگل سیٹ کی میئر میں کیا ریلیشن ہوتا ہے. ٹل دن اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.